बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ इंग्लिश, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा देखें, ग्रामर में से आज हमारे पास है प्रेपोजिशन। बेटा प्रेपोजिशन आर द वर्ड्स, पहले कंसेप्ट समझें। प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स विच रिलेट रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स। प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज हैं जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरम्यान में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। बेटा आप ये करते आए हैं, एट्थ में किए हैं, नाइन्थ में भी आपने किए हैं, ये आपको ऑलरेडी आते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने याद कैसे करना है इसको? देखें, ये पहले 120 दिए हुए हैं, 1 टिल 20। ये सेंटेंस जो दिया हुआ है, ये आपकी आसानी के लिए दिया हुआ है। बेटा ये वर्ड है अबाइट, इसके साथ प्रेपोजिशन लगता है बाय। आपने सिर्फ ये याद करना है अबाइट बाय। आपको याद होगा, आपने एट्थ में लिस्टें याद की होंगी, उसमें पहला प्रेपोजिशन यही था। एब्सेंट फ्रॉम, एक्यूज ऑफ, एक्ट अपॉन, एग्री विथ, एंग्री एट। तो ये जो है आपने वर्ड के साथ ये सिर्फ प्रेपोजिशन याद करने, बोर्ड में भी इस तरह आएगा कि भी ये पूरा सेंटेंस दिया होगा, ये प्रेपोजिशन की जगह खाली होगी और ये आगे जो है उसके बाय, एट, ऑम, इन लिखा होगा, आपने बाय के ऊपर खाली टिक करना होगा। बात समझ आ रही बेटा? गुड। इस आगे देखें, आगे नंबर 7 में, नंबर 7, एंग्री विथ, अपीयर बिफोर, अराइव एट, अशेम्ड ऑफ, अश्योर ऑफ, अवेयर ऑफ, बैगिंग फॉर, बिलीव इन, बिलोंग टू, बॉर्न टू, बॉर्न इन, केयर फॉर, केयरफुल अबाउट, कंप्लेंट अगेंस्ट। बेटा ये आपके बोर्ड ग्रामर पेज 160 पे दिए गए हैं और इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। एक और बड़ी अहम बात है बेटा, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, आपको याद है, मैंने ऐसे की रीडिंग की थी, ऐसे के साथ एक दूसरा क्वेश्चन आता है हमें पैराग्राफ्स का, आपके सिलेबस में भी शामिल है। बेटा ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप चाहे ऐसे करें चाहे पैराग्राफ करें, बोर्ड में ऐसे के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, तो लिहाजा हमने आपको ऐसे करवाया और आपने ऐसे को याद करके लिखना है। और ये जो है प्रेपोजिशंस, ये बहुत आसान है, आप इनको 2-3 मरतबा बेटा पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। सिर्फ एक इजी रीडिंग आपने इनकी करनी होती है और आपने इनका कुछ भी नहीं करना। देखिए ये आपके मैंने नोट्स में भी दे दिए, नोट्स में देखिए बेटा इसके मीनिंग दिए हुए हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिए ताकि आपको मीनिंग मिल जाए और आपकी विकैबलरी में इजाफा हो जाए। देखें ये एक स्लो मूवमेंट में हम दिखा रहे हैं आपको, ये 1 टिल 20 तक, ठीक है। आपको हर वर्ड का मीनिंग नज़र आ रहा है और हर वर्ड का आगे आपको सेंटेंस भी नज़र आ रहा है। ये देखें 20 तक। थैंक यू बेटा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़।